हेलो माय डियर कैट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। लास्ट वीडियो में मैंने रीजनिंग चैप्टर्स 4 के ऑड वन आउट पर वीडियो बनाया था। बाकी क्वेश्चन नंबर 22 से इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। इसमें से हमें ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए में टॉप है, बी पैंट, सी भी टॉप है एंड डी जैकेट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज ए सी एंड डी आर टॉप वियर क्लॉथ्स। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ए बी सी एंड डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मंकी इन ए सी एंड डी हैव बनाना इन द देयर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द ऑड वन आउट। ए बी सी एंड डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। फिगर्स इन ए बी एंड डी आर डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द ऑड वन आउट। ए बुक, बी न्यूज़पेपर, सी बुक एंड डी मोबाइल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मोबाइल, बिकॉज फिगर इन ए बी एंड सी आर मेड फ्रॉम पेपर। क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज इन ए सी एंड डी नंबर ऑफ स्लाइड्स इन आउटर मोस्ट फिगर्स इज वन लेस देन फिगर स्लाइड्स इन इनर मोस्ट फिगर। सो चेकआउट, ये कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 साइड्स हैं एंड अंदर 1 2 3 4 5 साइड्स है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ एक साइड्स ऐड हो जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इसमें हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 आउटर मोस्ट फिगर में 5 हो रहे हैं और अंदर हो रहे हैं हमारे 1 2 3 4 5 6, यानी एक बढ़ जा रहा है अंदर की तरफ। इसी प्रकार इसमें हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 और 1 8 अंदर की तरफ बढ़ जा रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन सेम फिगर एक्स। फिगर एक्स दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग सेम टू सेम फिगर कौन सा है। सो इसको हम देख पा रहे हैं, ये 5 प्रकार, ये लाइनिंग भी इसे खींची हुई है और ये यहाँ पर पतली सी बनी हुई है। सो सेम टू सेम फिगर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑप्शन ए ब्रशिंग, बी हैंड वॉशिंग, सी बाथिंग एंड डी सीजर। सो ए बी सी एंड सी इज ए बी सी आर गुड हैबिट्स, सो डी इज ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स इन ए बी एंड सी आर यूटेंसिल। क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। हॉकी स्टिक, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बैडमिंटन एंड आइसक्रीम। सो ए बी एंड सी आर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बट डी इज
a table product. So correct answer is option D. Question number 31. Select the figure from the option which exactly same as given figure. ये figure दिया गया है, इसी के according exactly figure कौन सा हो रहा है हमें find करना है. So exactly figure है इसके option D. यहाँ पर red है, ये भी red इसके ribbon हो रहे हैं. So correct answer is option B. Next question number 32. Which of the following figure is exactly same as the given figure? बच्चों इसे ध्यान से देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग सेम टू सेम फिगर कौन सा है. अब यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन चोच है, ये दोनों चोच के कलर, ये पैरोट के कलर अलग हैं, इसके चोच येलो कलर के हैं, जबकि इसमें क्या हो रहा है रेड, और डी में क्या हो रहा है येलो एंड सेम टू सेम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. फाइंड द ऑड वन आउट. ऑप्शन ए पेन, B, C and D. So option A, B and C are writing product and D is scissor. This is odd one out. So correct answer is option D. Question number 34. Find the odd one out. Option A, B, C and D. इसमें हम देख रहे हैं sides हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sides हैं. 1, 2, 3, 4, 5. ये 5 साइड्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये 6 साइड्स हो गए. एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये भी 6 साइड्स हो गए. यानी ऑप्शन ए सी एंड डी तीनों पिक्चर्स में 6 साइड्स हैं, जबकि बी में 5 साइड्स हैं. सो ऑड वन आउट इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 35. Which of the following figure is exactly same as given figure? बच्चों ये figure दिया गया है, इसके exactly कौन सा figure है हमें find करना है. So correct answer is option B. This is exactly same figure. आज के लिए इतना ही. आपको हमारा ये video कैसा लगा please comment करके अवश्य बताइए. साथ ही please 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 हमारे video को subscribe अवश्य कीजिए एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें. साथ ही हमारे वीडियो पर इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए बने रहें. हमारा नेक्स्ट टॉपिक रीजनिंग से रहेगा, एनालॉजी. आई होप पेरेंट्स आप इस वीडियो को देखकर अपने बच्चों को घर बैठकर ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी करवा सकते हैं और आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन ओलंपियाड एग्जाम क्लास सेकेंड में बच्चों को रीजनिंग से पूछे जा सकते हैं. थैंक यू.